कृष्णा जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ। क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हर किसी का मन करता है कुछ चटपटा खाने का, और ठेले वाले का रगड़ा चाट तो बहुत ही मिस करते हैं सब लोग। तो आज हम आपके लिए वो रगड़ा चाट लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो रगड़ा चाट के लिए सबसे पहले हमें रगड़ा बनाना पड़ता है, यानी सफेद मटर जो होता है उसको हमें उबालना पड़ता है। तो ये देखिए व्हाइट वाला ये मटर है, इसको हमने उबाल लिया है। इसको भिगा देते हैं और फिर 3 से 4 सीटी आने पे इस तरह से उबाल लेते हैं। देखिए इस तरह से इसमें सिर्फ 1/4 स्पून आप सॉल्ट डाल दीजिए, इसको उबलने के लिए रख दीजिए। इस तरह से उबल जाता है, बहुत इजी है एक बार, इसलिए हम आपको दिखाए नहीं। उबालना सबको आता है, तो आप इसको उबाल सकते हैं। तो उबाल के इस तरह से पहले रेडी कर लीजिए, फिर रगड़ा चाट आपका फटाफट बन जाएगा। तो ये हमारा इसको हम बना के रख लिए। अब चलिए देखिए किस तरह से बना रहे, बहुत ही चटपटे बिल्कुल ठेले वाले के स्टाइल में बना के आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम गैस पे एक पैन रख देते हैं, इसको हम गर्म हो जाने दे रहे हैं। देखिए तेल पैन गर्म हो गया, इसमें हम 1 स्पून ऑयल डालेंगे। आपने देखा होगा ठेले वाले इसी तरह से पहले तेल डालते हैं, हमने देखा है बिल्कुल उसको बनाते हुए, उसी स्टाइल में बिल्कुल हम आपको बना के दिखा रहे हैं। फिर उसमें वो डालते हैं हरी मिर्च, तो इस तरह से हम एक हरी मिर्च ले लिया कटी हुई, उसको डाल दिया। उसमें लहसुन डालते हैं इस तरह से, 3 से 4 लहसुन डालिए। फिर उसमें हम प्याज डाल देते हैं, एक प्याज हमने लिया है, इसको इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लिया। बिल्कुल हम रोड स्टाइल जैसे बनता उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आप घर में भी इस तरह से आप बना के खा सकते हैं, आपको बाहर जाने के लिए परेशान नहीं पड़ेगा। आप इस तरह से अगर आपका रगड़ा चाट खाने का मन कर रहे हैं तो आप खुद इजली बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको भून ले रहे हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा। अब इसमें इसी के साथ टमाटर ऐड कर देते हैं। तो बिल्कुल ठेले वाले इसी स्टाइल में बनाते हैं, इसी तरह से घर में बनाइए इस लॉकडाउन में, और इसको आप इंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपी है और बहुत ही इजी है। बस आप मटर पहले से उबाल के रख लीजिए और फिर फटाफट इसको बना के रख बना के घर में आप खिला सकते हैं, खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं थोड़ा। इस तरह से थोड़ा सा टमाटर को भी सॉफ्ट हो जाने देते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर नमक हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि अभी ऊपर से भी नमक डालते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना, सिर्फ 1/4 स्पून के करीब नमक डाल देना, इसे थोड़ा कमी है। तो इस तरह से इसको चला देते हैं तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा हमारा टमाटर। तो 1 मिनट लगेगा इसको, इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए टमाटर हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया, इस तरह से दबाने के देखिए एकदम आराम से दब रहे हैं। तब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 1/4 स्पून हम रेड चिली डाल रहे हैं, रेड चिली पाउडर, और इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रहे हैं यहाँ पे 2 पीस के करीब। और इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रहे हैं, इसको डाल के अच्छे से चला देते हैं। इसमें मसाले इसमें भून जाए, और थोड़ी सी इसमें हम ग्रीन चटनी डालेंगे। ग्रीन चटनी पत्नी डालना है, इसमें यहाँ पे 1 चम्मच डालना है इस तरह से, ये लाल चटनी डालना है इस तरह से, ये सबको डाला इस तरह से चला देते हैं। ये बहुत बड़े बड़े मसाले पड़ रहे हैं इसमें क्योंकि ऊपर से रगड़ा में ऊपर से भी बहुत सारे मसाले डालते हैं, भुने हुए मसाले। और ये देखिए अच्छे से पूरा भुन गया है। अब हम इसमें ये अपना सफेद मटर जो हमने बॉयल करके रखा है इसको डाल दे रहे हैं। देखिए रगड़ा चाट देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें। बिल्कुल लग रहा है रोड साइड पे जैसे खड़े होके बनवाते हैं, एकदम वही स्मेल आ रही है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको हम पक जाने देते हैं मटर के साथ, जैसे सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए। देखिए बिल्कुल पक गया है, अभी गाढ़ा भी हो गया है, इसका पानी भी सूख गया है। तो आप रगड़ा चाट बनाइए तो उसमें पानी जरूर रखा करिए, बहुत ही टेस्टी होता है इस तरह से। अब ये देखिए बिल्कुल सूख गया है। अब हम इसको लास्ट में इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालिए या फिर हम जो पाउडर डालिए, तो यहाँ पे हम 1/4 स्पून यहाँ से चाट मसाला डाल दे रहे हैं, और ये धनिया की पत्ती इस तरह से डाल के इसको हम चला देते हैं। इसमें आप अगर चाहिए तो 2-4 आलू भी इसमें छोटे छोटे उसके पीसेस काट के आप इसमें यूज कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है वो भी। लेकिन हमने आलू नहीं डाला है, इस तरह से हम आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए ऊपर से हम किस तरह से मसाले इसमें लगाएंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आप देख लीजिए यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हम भुना हुआ धनिया लिए हैं, और ये भुना हुआ लाल मिर्च, यहाँ पे ये चटनी है मीठी वाली चटनी है, ये हरी चटनी है इसलिए थोड़ी खट्टी भी, इसमें नींबू भी हमने ऐड कर दिया है,
यहाँ पे सफेद नमक लिए हैं, काला नमक लिए हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि सारे चीज इस तरह लगाए रहते हैं और फिर तुरंत डाल के देते हैं, बिल्कुल हम इसी तरह से आपको दिखाएंगे सर्व करके। तो मैं एक प्लेट में इसको निकाल देते हैं पहले, फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए एक प्लेट में किस तरह से सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारा रगड़ा देखिए इस तरह से बिल्कुल रेडी करके रख दिया है। अब इसमें ऊपर से जिस तरह से स्पाइसेस और सॉल्ट वगैरह डालते हैं, किस तरह से इसको मिक्स किया जाता है, देखिए इसमें हम नमक हमने थोड़ा सा डाला था, तो थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से प्लेन नमक, ये थोड़ा सा काला नमक इस तरह से डाल देते हैं, ये लाल मिर्ची भुनी हुई लाल मिर्च है, और यहाँ पे भुना हुआ धनिया इस तरह से डाल लेते हैं, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं इसमें, और फिर इसमें हम ये मीठी वाली चटनी डालेंगे, देखिए इस तरह से मीठी वाली चटनी डाल देते हैं, और फिर एक खट्टी वाली और तीखी वाली चटनी डालते हैं, हरी चटनी। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना घर में, तो बिल्कुल स्ट्रीट फूड है ये, देखिए बिल्कुल हम जैसे रोड साइड पे खाते हैं इस तरह से लॉकडाउन में आप घर में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से नमकीन भुजिया इस तरह से डाल दीजिए, देख रहे ना कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ, आ गया ना मुंह में पानी। इसको कोई भी देखेगा आप इस तरह से बना के सामने सर्व करेंगे तो देखने वाले को मुंह में तो पानी आ जाएगा और तुरंत टूट पड़ेगा। तो है ना बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो आप इस रगड़ा की रेसिपी को आप ट्राई करिए घर में ही, और बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, पेशेंस के साथ घर में रहिए और इस रेसिपी को ट्राई करिए घर में एंजॉय करिए। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिए, उससे कोई भी नया वीडियो डालते हैं तो उसका अपडेट आपको मिल जाता है। इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो कैसा बना आपका। इसी के साथ अपना टाइम देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।